आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें कि विफाक के वजीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी भी कोरोना वायरस की बदतरीन सूरत हाल में पड़ोसी मुल्क भारत के लिए दुआ को कहा, इस मुश्किल वक्त में हमारी दुआएं भारत के शहरियों के साथ हैं। दूसरी जानिब भारत की जारियत का जज्बा खैर सगाली से जवाब, फैसल ईदी की भारत को 50 एम्बुलेंसेज फराहम करने की पेशकश। ईदी फाउंडेशन के सरबराह का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत, इस्लामाबाद में भारतीय सिफारतखाने के हवाले कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस भारत में मेडिकल का शोबा बहरान का सामना कर रहा है। तश्वीशनाक सूरत हाल देखकर फैसल ईदी ने भारत में कोरोना मरीजों के लिए 50 एम्बुलेंसेज फराहम करने की पेशकश की है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा, जो इस्लामाबाद में भारतीय सिफारतखाने के हवाले कर दिया गया। खत में भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस और अमवात पर दुख का इजहार किया गया। फैसल ईदी ने कहा है कि कोरोना वायरस के इन मुश्किल हालात में भारतीय अवाम की मदद के लिए तैयार हैं। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ड्राइवर, ऑफिस और स्पॉटिंग स्टाफ मुआवनत करेंगे। भारतीय हुकूमत की तजावीज के मुताबिक ईदी टीम किसी भी हसास इलाके में काम कर सकती है।